अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आशीष टेक स्किल्स ATS रीवा, नंबर वन कोडिंग इंस्टीट्यूट इन रीवा, एड्रेस फर्स्ट फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में, मैं आपके साथ उर्वशी। मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात पर कांग्रेस एक एक सीट पर जीत का गणित लगा रही है। राज्य विधानसभा की 230 सीटों में से 66 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के लिए लगातार सिरदर्द बनी हुई है। यहां से पिछले 5 चुनाव से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। अब कांग्रेस का दिल्ली और राज्य का नेतृत्व इन सीटों को जिताने के लिए प्लान 66 पर काम कर रहा है। आलाकमान के इन सीटों को 5 सेक्टर में बांटकर सेंट्रल ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की 66 विधानसभा सीटों ने कांग्रेस को बड़ी टेंशन दे रखी है। पिछले 5 चुनाव में उसे इन सीटों पर लगातार हार का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इन सीटों को जीतने के लिए 5-पॉइंट प्रोग्राम तैयार किया है। पार्टी का फोकस इन सीटों के उम्मीदवार चुनाव से काफी पहले घोषित करने पर है। इसके लिए चेहरों की तलाश कांग्रेस ने शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय और राज्य का नेतृत्व इसी साल नवंबर दिसंबर में होने वाली विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने में लग गई है। पहले चरण में पार्टी का फोकस उन 66 सीटों पर है जहां पिछले 5 चुनाव में उसे लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस को जिन सीटों पर लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, इनमें से रहली, दतिया, बालाघाट, रीवा, सीधी, नरयावली, भोजपुर, सागर, हरसूद, सुहागपुर, धार, इंदौर 2, इंदौर 4, इंदौर 5, मंदसौर, महू, गुना, शिवपुरी, देवसर, धौहनी, जयसिंह नगर, जैतपुर, बांधवगढ़, मानपुर, मुड़वारा, जबलपुर कैंट, पनागर, सिहोरा, परसवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, आमला, टिमरनी, सिवनी मालवा, होशंगाबाद, सुहागपुर, पिपरिया, भोजपुर, कुरवाई, शमशानबाद, बैरासिया, गोविंदपुरा, बुधनी, आष्टा, सीहोर, सारंगपुर, सुसनेर, शुजालपुर, देवास, खातेगांव, बगली, खंडवा, पंधाना, बुहारपुर, धार, उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण, रतलाम सिटी, मल्हारगढ़, नीमच और जावत सीट प्रमुख है। कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश की 66 ऐसी सीटों के लिए अन्य राज्यों के नेताओं को सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। उन पर इन सीटों को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा को भोपाल और नर्मदापुरम, उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप टमटा को महाकौशल और विंध्य हिमाचल प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर को ग्वालियर चंबल तथा गुजरात के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोडवाड़िया को मालवा और निर्माण का दायित्व सौंपा गया है। बताया जाता है कि इन 66 में से 40 से अधिक सीटों पर पिछले 3 महीनों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ दौरा कर चुके हैं। उन्होंने जिला पदाधिकारियों, मंडलम और सेक्टर प्रभारियों की बैठक लेकर फीडबैक लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह भी 5 बार से हारी हुई सीटों में कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनके ऊपर जीतने वाले उम्मीदवार की पहचान का दायित्व भी है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि प्लान 66 के लिए कांग्रेस ने एक 5-पॉइंट प्रोग्राम तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी भाजपा का गढ़ बन चुकी इन 66 सीटों पर क्षेत्र में सक्रिय और लोकप्रिय चेहरों का चयन पहले से कर रही है ताकि चुनाव से पहले उन्हें अपने इलाके में पहुंचने का पर्याप्त समय मिल सके। इन सीटों का पर्यवेक्षक भी उन प्रदेश पदाधिकारियों को बनाया गया है जो वहां पर्याप्त समय दे सके। यहां जातीय समीकरणों को भी टटोला गया जिनके सहारे पार्टी को मजबूत स्थिति में लाया जा सके। 5 ऐसे प्लान हैं जिनकी हम बात करेंगे कि स्थानीय मुद्दे, पार्टी स्थानीय मुद्दों की पहचान करके उसके मुताबिक अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। वर्तमान विधायक के खिलाफ नाराजगी, पार्टी स्थानीय स्तर पर बीजेपी विधायक के खिलाफ नाराजगी का मूल्यांकन कर जनता में माहौल तैयार करना। जातीय समीकरण, पार्टी ये भी देख रही है कि हारी हुई सीटों पर जातीय समीकरण क्या है, इसके हिसाब से उम्मीदवार चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। लोक लुभावन वादों का प्रचार, कांग्रेस पार्टी अपने सवा
साल के कार्यकाल की योजनाओं के प्रचार पर फोकस कर रही है। इसके साथ ही कमलनाथ द्वारा घोषित नई योजनाओं जैसे 1500 रुपए वाली नारी सम्मान योजना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने वाली योजना और 100 यूनिट तक बिजली के बिल माफ करने वाली योजना को भी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जन आंदोलन, पार्टी ने तय किया है कि भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी सहित तमाम सत्ता विरोधी मुद्दों पर लगातार जन आंदोलन खड़ा करना है। स्थानीय संगठन की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के नेता भी इसमें शामिल होंगे। तो अब देखना यह है कि 5-पॉइंट प्रोग्राम कांग्रेस का कितना काम करता है और चुनाव के क्या परिणाम आते हैं। अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आशीष टेक स्किल्स ATS रीवा, नंबर 1 कोडिंग इंस्टीट्यूट इन रीवा, एड्रेस 1st फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा।